मधुमा कुंज बिहारी गोपी जन बल्लवा गिरीवर धारी गोपी जन बल्लवा गिरीवर धारी जय राधा माधवा कुंज विहारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बनकारी यमुना तीरा बनकारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवराजकाचार्य स्तोत्र सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवराजकाचार्य स्तोत्र सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सत्य ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीवीटी फाउंडराचार्य डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नवाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सांबेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिल प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिल प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। पतित पावन शिल प्रभुपाद इस्कॉन मॉरिशियन यात्रा की जय। निताय गौर प्रेमानंदी बोलो नृसिंहदेव भगवान की जय। बोलो प्रहलाद महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदी निताय गौर प्रेमानंदी सब भक्तों की जय जयकार हो। सब भक्तों की जय जयकार गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। नमो विष्णु विदाय कृष्ण अवस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति विदांत स्वामी ते नामने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचार निर्शेषवादी पाश्चात ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामायं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरं वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथंवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधा कृष्णा पादान सहगणा ललिता श्री विशाखावितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधु वैवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सब मिलकर बोलेंगे जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आप सबका स्वागत और धन्यवाद। आज आप लोग नृसिंह भगवान का अभिषेक यहाँ हुआ और मुझे ये कहा गया कि मैं नृसिंह भगवान के बारे में कुछ बोलूं। तो देखिए नृसिंहदेव ये जो बड़ा अवतार भगवान का, हे केशव हे जगतपति हे हरि, आपने नृसिंहदेव का रूप धारण किया है। नृसिंह भगवान का ये अवतार बड़ा अद्भुत अवतार है और इस अवतार से हमें बड़ी शिक्षा लेनी चाहिए, सभी को शिक्षा लेनी चाहिए। क्या शिक्षा बड़ी? देखो कि भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति है वो ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। ये मनु शरीर हमको भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, कृष्ण को पाने के लिए मिला है। इस शरीर को पाकर अगर हमने खाली इंद्रियों का तर्पण किया, सेंस ग्रेटिफिकेशन की, तो हमने इस जीवन को वेस्ट कर दिया, बेकार कर दिया। तो प्रहलाद महाराज ऐसे महान वैष्णव भक्त हुए हैं। देखो राक्षस भी बड़े बड़े शक्तिशाली हो जाते हैं। हिरण्यकश्यपु तपस्या करने गया हुआ था, बड़ी घोर तपस्या इसने की अपने पांव के इन क्या कहेंगे इनको उंगलियों पर खड़े होकर खड़ा खड़ा कितना। तो ब्रह्मा जी प्रकट होकर बोला क्या चाहिए तुमको, क्या चाहता है तुम? कहते मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा मेरी बड़ी लंबी आयु है पर मैं अमर मैं भी नहीं हूं, तो तेरे को अमर कैसे कर दूं? राक्षस भी बड़े चतुर होते हैं, प्रभुपद समझाते हैं। उसने कहा बस मुझे ऐसा भर दो मैं ना दिन को मरूं ना रात को, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना मनुष्य से ना पशु से, ना धरती पर ना आकाश में, ना दिन को कभी मरूं ही नहीं, ऐसा वर मांग लिया। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, वर दे दिया। अभी उसको लगा कि मैं कभी मरूंगा ही नहीं। राक्षस जो है ये ऐसा ही सोचते हैं। राक्षस वृत्ति जो है ये अच्छी वृत्ति नहीं है, तो इसके बल पर ये बड़े पाप करने लगा, गौ ब्राह्मण को बड़ा कष्ट देने लगा। तो जब ये तपस्या करने गया था तो इसकी पत्नी कयादु जो वो गर्भवती थी, तो देवताओं को पता लगा कि हिरण्यकश्यप तपस्या करने गया है, हम सबको परेशान कर रहा है, एक और इसकी संतान होने वाली है, वो अगर जन्म ले लिया तो वो भी हमें परेशान करेगी। देवताओं ने आकर, इंद्र आदि देवताओं ने कयादु माता को बंदी बना लिया, बंदी बना करके उसको ले जा रहे थे। तो आगे से नारद जी मिले। नारद जी भगवान नारायण के भक्त हैं। देखो भगवान एक हैं, वो कृष्ण हैं, नारायण भी उन्हीं का स्वरूप हैं, विष्णु भी कई मूर्ति हैं, गर्भ दक्षाय विष्णु, शिरो दक्षाय विष्णु, कर्ण दक्षाय विष्णु, वो सब भगवान की एक्सपेंशन है, उनके
विस्तार हैं। तो नारद जी उधर से नारायण नारायण करते आ रहे थे, भगवान का नाम लेते आ रहे थे। तो एक दो लाइन मैंने नारद जी के भजन की आपको सुनाता हूँ, बड़ी शिक्षाप्रद है, आप सब बोलने का प्रयास करें। भज मन नारायण नारायण भज भज मन नारायण नारायण हरि बोल क्या हंसना क्या रोना पगले होगा वही जो होना क्या भज मन नारायण नारायण कुटुंब कबीला बेटा बेटी कुटुंब सब अपने कर्मों की खेती सब मीठा पल कर जग में प्राणी बीज न कड़वा बोना बीज पगले होगा वही जो होना भज मन नारायण नारायण पाप कमा कर धन को जोड़ा मैं का अभिमान न छोड़ा मैं मन को एक बार नहीं धोया तन का फिर क्या धोना पगले होगा वही जो होना भज मन नारायण नारायण खूंटी नल का हार निगल गई हरिचंद्र की प्रभुता मिट गई हरि खेल विधि का बड़ा अनोखा मानव बना खिलौना पगले
होगा वही जो होना, भज मन नारायण नारायण, नारायण जय नारायण नारायण, नारायण जय नारायण, सारे बोलो नारायण 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 जय नारायण नारायण जय नारायण, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। नारद जी बड़ी सुंदर शिक्षा दे रहे हैं इस भजन में, कह रहे हैं अपने अपने मन को कह रहे हैं, मेरे मन तू नारायण का भजन कर। असल में जो महान वैष्णव भक्त हैं वो दूसरों को कुछ नहीं कहते, अपने को ही कहते हैं, पर उनसे हम शिक्षा ले सकते हैं। ही मेरे मन तू भगवान का नाम ले, तो हंसता क्या है रोता क्या है, जो होगा वही होगा, तेरा काम खाली भजन करना है। तो बड़ी शिक्षा है। देखो संसार में कभी सुख आते हैं कभी दुख आते हैं, ये सब हमारे कर्मों का खेल है। क्योंकि हम जो अज्ञानी जीव हैं, बद्ध जीव हैं, बंधन में पड़े हुए जीव अपने कर्मों को भूल जाते हैं, और थोड़ा कोई दुख आएगा तो दुखी हो जाएंगे, सुख आएगा सुखी हो जाएंगे, भगवान को भूल जाएंगे। लेकिन नारद जी कहते हैं तुम सुख में सुखी नहीं दुख में दुखी नहीं, बस भगवान का नाम लो। और जो कहा कि विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, विधि जो है भगवान की शक्ति जो कार्य कर रही है उसमें हानि हो या लाभ हो उसको सहन करो, पर भगवान का नाम लो। हमें प्रभुपाद जी ने दिया है हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम आगे शिक्षा है कि कईयों का किसी का परिवार अच्छा नहीं होता, लड़का अच्छा नहीं होता, लड़की अच्छी नहीं होती, आदमी दुखी होता है मेरा बेटा ऐसा है मेरी बेटी ऐसा है। तो नारद जी कहते हैं कुटुंब कबीला बेटा बेटी सब अपने कर्मों की खेती, ये तेरे कर्मों का फल है। तुमने खेत में अगर कुछ उल्टी सीधी चीज बोई है तो उसमें अच्छा कुछ पैदा थोड़ा होगा। अगर बबूल का पेड़ बोया है यानी कि बुरे कर्म किए हैं तो उस पर शब्द कहे हैं मेरे पीछे बोलो, करनी करत क्यों डरत, क्यों करके पछताए, भोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से खाए। जब हम बुरा कर्म करते हैं नहीं सोचते, पर जब उसका फल मिलता है तो बड़े दुखी हो जाते हैं। तो संत कह रहे हैं तूने बबूल एक कांटेदार होता है यानी इंडिया में होता है वह वृक्ष, उसकी दातन बनती है कांटे लगते हैं उसको, तूने बुरे कर्म किए तो तू कहेगा कि आम का पेड़ पैदा होगा तो तुम फल खाएगा, बबूलदार कांटे वाला उसमें कांटे पैदा लगेंगे कोई आम नहीं मिलेगा तेरे को। अगर बुरे कर्म किए तो फल बुरा होगा। अंग्रेजी में कहा कि एज यू सो सो शैल यू रीप, फ्रेंच में कैसे कहेंगे, करियोल में कैसे कहेंगे, कैसे कहेंगे, अच्छा यहाँ कोई करियोल नहीं, यहाँ बोलो ब्रजलीला या शबरी माता, ब्रजलीला बोलो, नहीं जानता शबरी माता कैसे कहेंगे, मैं भी सीख रहा हूँ फलान से, बोलो आगे तो पोई तुलसी। तो
अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो बुरा ही फल मिलेगा, उसका अच्छा फल नहीं होगा। लेकिन हम लोग भटके हुए जीव हैं तो संत शिक्षा दे रहे हैं, तेरा अगर परिवार अच्छा नहीं है, तेरे ही कर्म है, किसी का दोष नहीं है, तेरे कर्मों का दोष है। तू रेख में मेक मत मार, मीठा फल कर जग में प्राणी, बीज न कड़वा बोना। हमारा जब हम भक्ति में नहीं है, भगवान के सेवक नहीं है, तो हम सब उल्टे काम करेंगे और कष्ट पैदा करेंगे। फिर वो कहते हैं पाप कमाकर धन को जोड़ा, तूने पाप करके धन इकट्ठा किया। तो जब आदमी पाप कर्म करता है, धन इकट्ठा करता है, तो उसमें अहंकार आ जाता है, मैं करता है, मैं का अभिमान ना छोड़ा। देखो हम कुछ भी नहीं है, सब कुछ कृष्ण भगवान है, इसलिए कहा कि तू ही तू है भगवान, आप ही सब कुछ हैं, मैं कुछ नहीं। हमारा देखो ये जन्म टेम्पररी है, थोड़े समय के लिए है। हमारा जन्म होता है, बड़े होते हैं, एक जैसे रहते हैं, संतान आदि उत्पत्ति होती है, वृद्धावस्था को प्राप्त होते हैं और मृत्यु हो जाती है। ये शरीर थोड़े समय के लिए है, हम इसके भीतर जीवात्मा हैं। उस आत्मा को समझने के लिए भगवान ने ये शरीर दिया हमको, बड़ी कृपा करके। तो इसका प्रयोग उस आत्मा के दर्शन के लिए, आत्म दर्शन के लिए मिला है। लेकिन आत्म दर्शन हम ना करके हम उल्टे सीधे काम करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, फिर से जन्म मरण के चक्कर में चले जाते हैं। पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरी शयनम। तो तूने बड़ा धन इकट्ठा कर लिया, मैं करता रहा, मन को एक बार नहीं, मन को शुद्ध नहीं किया। अभी देखो कि शरीर की सफाई साबुन पानी से हो जाती है, कपड़े साबुन पानी से धो लेते हैं हम, पर मन को क्या साबुन पानी से धो सकते हैं? ये कौन सी जगह है, इसका क्या नाम है? सुधनक। सुधनक में धो सकते हैं मन को पानी से? नहीं, नहीं धो सकते। मन की सफाई होगी भगवान के नाम से। चेतो दर्पण मार्जनम बब महादावागन निर्वापनम, श्रेया कीरी व चंद्रिका वितरणम, विद्या मधु जीवनम, आनंदम बुद्धिवर्धनम, प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, सर्वात्मा सनापनम, परम भजते श्री कृष्ण संकीर्तनम। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं, उन्होंने कहा कि बस मन की सफाई होगी श्री कृष्ण संकीर्तन से। ये महामंत्र महाप्रभु ने दिया, गौलोकेरा प्रेमांदन हरि नाम संकीर्तन। इस महामंत्र को सदा याद रखना है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा। मन की सफाई नाम जपने से होगी। इसलिए एक शब्द हम कहते हैं प्रभुपाद कृपा से, कई बार एक बार एक भक्त जो है उसने बड़ी मुश्किल से 16 माला किया, बहुत मुश्किल से, और भाई दूसरे दिन उसको माला ही नहीं मिल रही। दूसरे ने पूछा प्रभु क्या गुम हो गया? माला गुम हो गई। अरे माला हमें कितना जप करना चाहिए, 16 मिनिमम है, और 16 माला जो है ना ये अंग्रेजों के लिए दी है प्रभुपाद ने, क्योंकि न्यूयॉर्क से आंदोलन शुरू किया प्रभुपाद ने। हमारे लिए आप सब भारतवासी हैं, लिखा है प्रभुपाद जी ने, ये मेरे पास कोट्स लिखे हुए हैं प्रभुपाद जी ने, हम सब के लिए 64 माला है, 64। तो माला कितनी करने, जो नहीं कर सकता चलो करे, 16 करे, 32 करे, पर 64 माला होनी चाहिए। माला कितनी करनी चाहिए मेरे पीछे बोलो, जप करने, जप कितना करना है? इतना जप कर कि हद कर दे कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। हमने देखो आपके इधर कौन सी जगह मॉरिशस में श्रिम्स हैं, क्या कहते हैं, सी फूड खाते हो, सी फूड खाते हो, सी फूड बनना पड़ेगा हमको भी, वो हमको खाएंगे। तो कुछ नहीं, जब इतना करना है जो हमारा पहले पाप कर्म हमसे हो गए जाने अनजाने में,
तो यमराज के पास खाता खुल गया, अकाउंट खुल गया उसके पास। मृत्यु के देवता यमराज, बोलो यमराज जी महाराज की। तो वो खाता जो है ना यमराज से, वो बंद कराना है, बंद होगा। इतना भजन चलते, जैसे महाप्रभु ने क्या कहा मेरे पीछे, बोलो उठी थे वैसी थे, खाई थे सुई थे, यथा तथा नाम ले, देश काल नियम नाही, सर्व सिद्धि होए। ये कलि पावन अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, उठते बैठते खाते सोते जैसे तैसे नाम जपो। ये नहीं कि अब जपना, अब नहीं जपना है, देश काल नियम नहीं। तो सब सिद्धियां क्या है, सबसे बड़ी सिद्धि है कि हमको कृष्ण प्रेम मिलेगा। अगर कृष्ण प्रेम मिला तो कृष्ण मिल जाएंगे, अगर कृष्ण प्रेम नहीं मिला तो कृष्ण नहीं मिलेंगे। सबसे बड़ी सिद्धि ये, तो ये भगवान ने ये कहा। तो नाम खूब जपो, माला अगर हाथ में नहीं है जपते रहो, कभी नाम बंद नहीं होना चाहिए, चलते रहना चाहिए। क्योंकि देखो जीवन का भरोसा कोई नहीं है, है कोई मोते बलांस में है कोई भरोसा? मोते बलांस भी जगह ना है, फ्रेंच नाम है, क्या के नाम है, जीवन का कोई भरोसा है? बोला करो, यहाँ होगा मेरे ख्याल में। तो नहीं भरोसा है तो हर समय चलते फिरते में नाम जपना चाहिए। एक बार मैं वैंकूवर कनाडा में था, वहाँ एक घर में प्रोग्राम था, तो वो व्यक्ति जो है मुझे बताता है कि वैंकूवर में क्या हुआ। एक अलूवालिया पंजाबी आदमी था, वो टॉयलेट में गया, टॉयलेट से बाहर नहीं आया, दरवाज़ा तोड़ा तो टॉयलेट पर मरा पड़ा था वो। तो हमें टॉयलेट में भी नाम नहीं छोड़ना चाहिए, भगवान का स्मरण रखना चाहिए। कोई पता नहीं, जैसे महाप्रभु के एक भक्त थे गोपाल जी महाराज, गोपाल जी महाराज महाप्रभु को पूछते हैं, भगवान ने ये नरलीला कर रहे हैं महाप्रभु, वो जो त्रिलोकीनाथ भगवान हैं, अपने भक्त के रूप में भगवान आए हैं। तो भगवान जब टॉयलेट में जाते थे तो अपनी जीभा को पकड़ लेते थे। तो गोपाल जी ने पूछा, महाप्रभु आप अपनी जीभा को ऐसे क्यों पकड़ते हैं? गोपाल, मेरी जीभा को आदत है नाम जपने की, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम, तो इसलिए वो गंदी जगह तो नाम नहीं लेना चाहिए। गोपाल जी कहते हैं, महाप्रभु अगर गंदी जगह वहाँ टॉयलेट में बैठे किसी के प्राण निकल जाएं तो? निकल सकते हैं, कई मर जाते हैं टॉयलेट में, तो फिर तो हमें जो नाम कहीं छोड़ना नहीं चाहिए। तो भगवान इतने खुश हुए, गौर भगवान, जब गोपाल जी को गले लगा लिया और कहा, गोपाल तू मेरा गुरु का, उनका नाम फिर गोपाल गुरु पड़ा। बोलो गोपाल गुरु जी महाराज की। नाम को कभी नहीं भूलना, कहीं भी नहीं भूलना, क्योंकि कहीं भी प्राण निकल सकते हैं। और अंतकाल में नाम लेते हुए शरीर छोड़ेंगे तो भगवान मिल जाएंगे। तो यहाँ यही समझाया है, मन को कैसे धोना है नाम से, चलते फिरते उठते बैठते नाम जपते रहना है। शरीर की तो सफाई की पर मन को नहीं साफ किया, पगले होगा वही जो होना। आखिर में कहा है, महाराजा हरिश्चंद्र हुए बातें नहीं, महाराजा हरिश्चंद्र बहुत बड़े राजा थे, बड़े धर्मात्मा राजा थे। बोलो हरिश्चंद्र जी महाराज की। बड़ी लंबी बात है, उनकी परीक्षा ली विश्वामित्र जी ने, नारद जी ने बड़ी तारीफ की, तो उन्होंने विश्वामित्र जी ने परीक्षा ली, कहते ये राजा है कहाँ इतना महान हो सकता है। तो उन्होंने हरिश्चंद्र को कहा सपने में कि अपना राज्य मुझे दे दो। कहते मेरा था कहाँ, दे दिया राज्य, दे दिया। जब राज्य दे दिया महाराजा हरिश्चंद्र ने, कहते मुझे देखो ये तो बड़ा, इसको कोई अटैचमेंट है ही नहीं, कोई मोह नहीं है। उन्होंने कहा कि तुम फिर जब कोई दान दो तो दक्षिणा भी देनी चाहिए। तो दक्षिणा महाराज क्या, 1000 स्वर्ण मुद्राएं, गोल्ड क्वाइन। बातें कहाँ हो रही हैं, इधर पीछे बातें हो रही हैं।
गोल्ड क्वाइन 1000। उन्होंने बोला कि उन्होंने कहा कि भाई लाओ खजाने से इनको दो। कहते राज्य मेरे को दे दिया। कहते हाँ ये जो खजाना है ट्रेजरी साथ में नहीं है। कहते हाँ साथ में है। कहते ये मेरी जाओ तुम काम करके दो। महाराज हरिश्चंद्र ने अपना अपने आप को बेच दिया, रानी को बेच दिया, बड़ा कष्ट उठाया धर्म के लिए। वर्णन आता है रामायण में, शिवी दधीचि हरिश्चंद्र नरेशा सहे धर्म हित तो कोटि कलेशा। बड़े कष्ट सहन किया। तो वो यहां वर्णन आया है हरिश्चंद्र जी के साथ ऐसा होगा, हार बड़ा कीमती हार खूंटी पर टंगा है तो खूंटी ही हार को निगल गई, खूंटी नल का हार निगल गई, हरिश्चंद्र की प्रभुता मिट गई, घर में बैठे बैठे उनकी सारी प्रभुता सब कुछ चला गया। खेल विधि का बड़ा अनोखा, विधि का जो विधान है, विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, बड़ा अनोखा है। मानुष बना खिलौना, हम खिलौने बने हैं, पगले होगा वही जो होना, पर हमें भजन करना चाहिए, ये शिक्षा नारद जी की है। नारद जी जब जा रहे थे तो आगे से देवता लोग कयादू को लेके आ रहे थे, तो नारद जी ने पूछा थे कहाँ ले जा रहे हो। कहते ये गर्भवती है, ये जन्म देंगे तो उस बच्चे को मार देंगे, वो राक्षस है, राक्षस की संतान है। तो नारद जी कहते छोड़ दो उसको, वो राक्षस नहीं है, वो भक्त है। अच्छा महाराज छोड़ दिया। नारद जी कयादू को ले गए, अपने आश्रम में रखा, उसको अच्छी कथाएं सुनाई। प्रहलाद महाराज जी को कृपा मिली, पेट में ही माता के पेट में ही सारा ज्ञान उनको मिला, और कयादू ने जन्म दिया अपना नारद जी की कुटिया में उनको, अपने बच्चे को। शुरू से देखो भक्तों का संग, एक राक्षस का पुत्र उसे भी भक्तों का संग मिला, वो महान बन गए, महान भक्त। बोलो भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। तो अभी राक्षस तपस्या करके आया तो प्रहलाद को शंड और अमरक दो पुत्र थे शुक्राचार्य के। शुक्राचार्य जो हैं वो राक्षसों के गुरु हैं। तो शंड और अमरक ये दोनों पढ़ाते थे प्रहलाद महाराज को, सारी भौतिक शिक्षा दे रहे हैं। जैसे आज की शिक्षा जो है ना, आज की शिक्षा में कोई आत्मज्ञान नहीं है, खैर सब पेट के लिए शिक्षा है, एमए है, बीए है, पीएचडी, पेट कैसे पालना है। और इंडिया में तो ऐसा है कि एक बार यूपी में चपरासी की पोस्ट निकली, चपरासी की पोस्ट निकली, कितनी लाख एप्लीकेशन आई थी, 30 लाख, 23 लाख एप्लीकेशन, 23 लैक्स एप्लीकेशन आई, जिसने पीएचडी बड़े बड़े जो थे वो चपरासी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसमें से कुछ कितने लोगों ने होना था सिलेक्ट, 300 चपरासी बनने थे, 23 लाख एप्लीकेशन आ गई। तो ये जो शिक्षा आज की है ना, इसे पेट में नहीं भरता, लोग भूखे मरते हैं पीएचडी करके भी, क्योंकि ये शिक्षा बेकार है, खराब है। शिक्षा के बारे में कृष्ण भगवान ने 9वें अध्याय में कहा, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावागम धर्मयम सुसुखम कर्तम अभ्ययम। अर्जुन ये जो मैं गीता का ज्ञान तेरे को दे रहा हूं, ये सारी विद्याओं का राजा, किंग ऑफ नॉलेज। क्यों? इसमें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है। हम इस शरीर में आत्मा को जानने के लिए आए हैं, परमात्मा को जानने के लिए आए हैं, भक्ति करने के लिए आए हैं, लेकिन ये कलियुग के प्रभाव से सब गड़बड़ हो रहा है। तो हमें आत्मा का उत्थान करना है। प्रहलाद महाराज को उल्टी सीधी शिक्षा दी जा रही है, लेकिन उन पर बचपन में ही माँ के पेट में इतनी कृपा मिली उनको, उनके गुरुदेव नारद जी महाराज की, वो बस भजन के सिवा और कुछ नहीं। राजा के पुत्र थे। आकर हिरण्यकश्यपु ने पूछा क्या सीखा, नारद जी ने नवदा भक्ति बताई। नवदा भक्ति का वर्णन 7वें कैंटो में है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम।
कि नवधा भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। तू कह तू मेरे शत्रु का भक्त बन गया है। कहा भाई, बोले क्या तुम पढ़ा रहे हो? कहते हैं हमने नहीं पढ़ाया इसको, ये पता नहीं कहाँ से सीख के आ गया है, माँ के पेट से आकर देखा हिरण्यकश्यपु ने कि ये सुधरने वाला नहीं है, ये मेरे शत्रु का भक्त बन गया है। आदेश ने मार दो उसको। देखो राक्षस कैसे होते हैं। देखो महाप्रभु ने एक शब्द कहे, राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। जिसकी रक्षा कृष्ण करे उसे कौन मार सकता है, और जिसे कृष्ण मारे उसे कौन बचा सकता है। हमारे भारत देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, नाम तो वैसे उसका कुछ और था, मैमूना बेगम था, लेकिन महात्मा जी ने नाम उसको ये दे दिया था इंदिरा गांधी। उसका हस्बैंड था फिरोज खान, उसको बना दिया था फिरोज गांधी। सबसे बड़ी सिक्योरिटी उसकी थी, और उसको जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था, तो उस समय मैं दिल्ली में ही था, 83 में किसी काम में, वृंदावन का प्रेसिडेंट था, तो वहाँ पर आया था दिल्ली में। तो इंदिरा गांधी इंटरव्यू देने जा रही थी, सबसे बड़ी सिक्योरिटी जो है इंदिरा प्राइम मिनिस्टर की होती है, सबसे बड़ी, हजारों लोग उसकी सिक्योरिटी में होते हैं। वो तो भगवान में तो मानती नहीं थी। ये जो अबॉर्शन है, फैमिली प्लानिंग उसने शुरू की। पहले हिंदुस्तान में कहा जाए दो या तीन बच्चे होने चाहिए, फिर हम दो, हमारे दो अभी एक पर, हिंदू लोगों ने करोड़ों बच्चे अपने मार दिए भारत में, लाखों नहीं। आप लोगों पर भी भारत का ही असर है, यहाँ भी बच्चे कम, तो हमारे हिंदुओं की संख्या बहुत कम हो रही है, दुर्भाग्य है। इंटरव्यू देने जा रही थी तो सिक्योरिटी के आदमी ने उसको मार दिया। उसने 35 बुलेट जो है भाई बचे नहीं है, सारा शरीर उसका, जहाँ वो उसकी डेड बॉडी पड़ी थी वहाँ खून इतना हो गया। मैं वो जगह देख के आया था, एक बार गया था, उसको अभी भी प्रिजर्व किया उन्होंने केमिकल्स लगा करके। अगर भगवान की सुरक्षा नहीं है ना, तो हमें कोई नहीं बचा सकता। तो हमें भगवान की, कृष्ण की सुरक्षा लेनी है। प्रहलाद महाराज को उनके गुरु नारद जी की कृपा से भगवान की सुरक्षा थी। प्रहलाद महाराज को पूरा प्रयास किया गया मारने का, समुद्र में फेंक दिया, वहां भी भगवान ने बचा के बाहर ला दिया उनको। उनको जिंदा जलाने का प्रयास किया। प्रहलाद जी की जो बुआ थी होलिका, हिरण्यकश्यपु की बहन, उसने बोला भाई तुम परेशान क्यों? कहती है मेरे घर में मेरे शत्रु का भक्त पैदा हो गया है, ये मरता नहीं। कहते मैं मार दूंगी इसको। कहते कि मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है कि मुझे आग नहीं जला सकती, मैं इसको गोद में ला के बैठ जाऊंगी, आग के ऊपर तुम जला देना, ये जल जाएगा और मैं, मुझे कुछ नहीं होगा। आकर हुआ क्या, होलिका जो है प्रहलाद महाराज को गोद में लेके बैठ गई, चिता बनाई थी बहुत बड़ी, आग लगा दी गई थी, होलिका जलने लगी। कहती ब्रह्मा जी का वरदान झूठा है। आकाशवाणी हुई, तेरे को ये वरदान भक्तों को जलाने के लिए नहीं दिया गया था, तेरे अपने लिए था। आकर वो जल गई, मर गई, प्रहलाद महाराज को कुछ नहीं हुआ। उनको उबलते हुए तेल में बॉयल करने का प्रयास किया, वो भी ठंडा हो गया। सांपों के कमरे में बंद कर दिया, सांप कुछ भी प्रहलाद जी को नहीं कह रहे। और भजन क्या है भाई, हरि है हजार हाथ वाला है तेरे पास नहीं लिखा था। तो हर प्रकार से प्रयास किया। आकर फिर भगवान ने देखो, प्रहलाद महाराज भक्त हैं तो भक्तों की हर हालत में भगवान रक्षा करते हैं। भगवान ने कहा कि अहम भक्ता पराधीना, मैं भक्तों के अधीन रहता हूं। भक्ति क्या है? सेवा। किसकी? भगवान की। और सेवा कैसी होनी चाहिए वो प्रहलाद महाराज के शब्दों में आगे वर्णन आएगा। तो प्रहलाद महाराज को जब नहीं मार सका, तो हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आ रहा है, इसको मारने वाले का मैं मारूंगा।
अभी प्रहलाद जी बाल बालक हैं, छोटे से 5 साल के। हिरण्यकश्यपु कहता है कहाँ तेरा भगवान। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी आप में भी वही बोल रहा है, वो सब जगह है। क्या इस खंभे में भी तेरा भगवान है? कहते इसमें भी है, देखता हूँ तेरा भगवान कैसे बचाता है। तो हिरण्यकश्यपु ने जोर से गदा मारी खंभे को। हुआ क्या? देखो चेतन में तो भगवान, हम चेतन हैं, हमारे हृदय में भगवान बैठे हैं परमात्मा के रूप में। भगवान ने कहा है ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्रह्म्यन सर्वभूतानी यंत्र रूढ़ानी माया। मैं परमात्मा के रूप में हर प्राणी के हृदय में बैठा हूं, हम सब के अंदर भगवान बैठे हैं, पर हमारा मन संसार में लग गया है, बुराइयों में लग गया है, हम भगवान को भूल गए हैं। संदेश ये है मैंने अपने मन को हर ओर से हटाकर भगवान में लगाना है, आत्मा परमात्मा के चिंतन में लगाना है। तो प्रहलाद महाराज जो हैं आखिर जब उसमें से खंभे में से भगवान प्रकट हो गए, बोलो नृसिंहदेव भगवान की। प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण कहते हैं, प्रभुपाद रेफर करते हैं कृष्ण भगवान को। कृष्ण भगवान कहते हैं अमंग द चीट्स आई एम द ग्रेटेस्ट चीट। हिरण्यकश्यपु ने सोचा था कि मैं कभी मरूंगा ही नहीं, अभी उसके बल पर उसको इतना अहंकार हो गया था, सबको दुख दे रहा है, कष्ट दे रहा है, गौ ब्राह्मण को बड़ा कष्ट दे रहा है वो। उसने बोला ना मनुष्य ना पशु, भगवान ना मनुष्य है ना पशु है, सर शेर का है और शरीर मनुष्य का है। उसने बोला अस्त्र ना शस्त्र नाखून शिल तंखा निखाला है, भगवान के बड़े बड़े नाखून, नाखूनों से भगवान ने उसको मारा था। घर के भीतर ना बाहर तो जो देली होती है, देली आप क्या बोलते हैं उसको आपकी भाषा में, जब घर के अंदर जाओ क्या बोलते हैं उसको, हैं चौखट, करियोल में क्या बोलते हैं, हैं नौ से। तो भगवान ने चौखट में मारा था उसको, ना धरती ना आकाश अपने गोद में रख के मारा, ना अस्त्र ना शस्त्र नाखूनों से फाड़ दिया उसको। तो जो जो ब्रह्मा जी ने वरदान दिए थे सारे पूरे किए भगवान ने, ये दिव्य रूप धारण किया। तो आज आपने नृसिंह भगवान का अभिषेक किया, बोलो नृसिंह देव भगवान की। आओ पहले नृसिंह देव के चरण में प्रार्थना कर लें फिर आगे बढ़े। नमस्ते नृसिंहाय, नमस्ते नृसिंहाय, नमस्ते नृसिंहाय, प्रहलाद तहलाद नाइली, प्रहलाद तहलाद नाइली, हिरण्यकशि पुरवक्षराय, हिरण्यकशि पुरवक्षराय, शिलतंखा निखालाय, शिलतंखा
निकालाए ही तो न सिंगापन को न सिंगाए ही तो न सिंगा पर तो न सिंगा ही तो न सिंगा पर तो न सिंगा यतो यतो यामित तो न सिंगा यतो यतो यामित तो न सिंगा बाहे न सिंगा हृदय न सिंगा बाहे न सिंगा हृदय न सिंगा बाहे न सिंगा हृदय न सिंगा नर सिंह मदीन शरणम प्रपदा नर सिंह मदीन शरणम प्रपदा तब कर कमल बरे नखा अद्भुत सिंगा दालिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा केशवदीतं नरहरिरूपं जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तब कर सारे बोलो जय नरसिंह दे नरसिंह दे नरसिंह देव जय नरसिंह दे जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रभुपाद 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 समस्त भक्ति विघ्न विनाशक सिंहदेव भगवान की भक्तराज प्रहलाद महाराज की महाभागवत जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की तो नृसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध किया मार दिया उसको। अब ये भगवान को बड़ा क्रोध है। क्रोध क्यों है भगवान को कि उनके भक्त को कष्ट दिया गया। भगवान जब ऐसे चरण रखते हैं तो धरती ऐसे हो जाती है, ऐसे
धरती डोलने लगी। अभी देवी देवता सब इकट्ठे हो गए कि महाप्रलय हो जाएगी। नृसिंह भगवान बड़े क्रुद्ध हो गए, इनको शांत कैसे किया जाए। ब्रह्मा जी जिन्होंने वर दिया था हिरण्यकशिप को, वो भी नहीं आगे आ पा रहे, शिव जी भी नहीं, इंद्र चंद्र कोई नहीं। तो ब्रह्मा जी को सोचा भाई जिसके लिए ये प्रकट हुए हैं वही इनको शांत कर सकते हैं। प्रहलाद महाराज छोटे से हैं सब, ब्रह्मा जी लक्ष्मी माता भी डर रही हैं नृसिंह भगवान से, ऐसा विकराल रूप भगवान का है। तो ब्रह्मा जी ने बुलाया प्रहलाद जी को, बेटा जाओ अपने भगवान के पास। प्रहलाद महाराज को कोई डर नहीं, चले गए। भगवान ने जब देखा प्रहलाद जी को, भगवान शांत हो गए, अपनी गोद में बैठा लिया और सर पे हाथ फेरा, बेटा तूने मेरे लिए बहुत कष्ट सहन किया, हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं, मेरी भक्ति नहीं छोड़ी तूने, बताओ तुम्हें क्या वर चाहिए। देखो ये शिक्षा सब याद रखो प्रहलाद महाराज की। प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं नृसिंह भगवान को, नृसिंह देव भगवान आपकी जो भक्ति कोई बिजनेस थोड़ा है, मैं कोई बनिया, मैं कोई व्यापारी या कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ, भक्ति बिजनेस नहीं है प्रभु, मुझे क्या चाहिए जब आपकी गोद में मैं बैठा हूँ। देखो प्रहलाद महाराज कितने बुद्धिमान हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन कहा है जे कृष्ण भजे से ही बड़ा चतुर, जो कृष्ण का भजन करता है वो बड़ा बुद्धिमान है। प्रहलाद महाराज बहुत बुद्धिमान है कि भगवान बार बार मांगने के लिए कह रहे हैं, नहीं मांगूंगा तो भगवान नाराज हो जाएंगे। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं अच्छा प्रभु अगर देना है तो मेरे पिता को क्षमा कर दो। पिता जिसने इतना कष्ट दिया उसके लिए क्षमा, ऐसा क्यों, तुम्हें इतना कष्ट दिया तेरे पिता ने। कहते कौन किसको कष्ट देता है, वो मेरे ही कर्म थे। देखो कोई इंस्ट्रूमेंटल बनता है कष्ट देने में, पर होते हमारे कर्म हैं। प्रहलाद जी की शिक्षा को याद रखो, भक्त कभी किसी से बदला लेने का नहीं सोचता, अपने शत्रु से भी भक्त बड़े महान होते हैं। बोलो भक्त और भगवान की जय। इस समय के सबसे बड़े भक्त हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद हुए हैं, जिन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार पूरी दुनिया में कर दिया। बोलो महाभागवत जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की। तो देखो भक्ति निष्काम, कोई इच्छा नहीं। प्रहलाद महाराज ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा कि मेरे बाप को क्षमा कर दो। तब भगवान ने कहा जिसका तेरे जैसा बेटा है उसकी तो 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है, 21 जनरेशन, 10 होने वाली, 10 जो पीछे हो गई, एक जिसमें उसने जन्म लिया। तो प्रहलाद महाराज के लिए ये दिव्य भगवान का अवतार हुआ है। देखो हमारी भक्ति में बहुत विघ्न आते हैं। पहले भक्ति क्या है, भगवान की निष्काम सेवा, ना धनम ना जन्म ना, ये भगवान चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं भक्ति कैसे करनी है, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कवितम बा जगदीश कामे मम जन्मनी जन्मनी ईश्वरे भवताद भक्ति अहितुकित्वाई। ओ ऑलमाइटी लॉर्ड आई हैव नो डिजायर टू कम्युलेट वेल्थ, नॉट डू आई डिजायर ब्यूटिफुल वूमेन, नॉट डू आई वॉन्ट एनी नंबर ऑफ फॉलोअर्स, नॉट डू आई वॉन्ट टू बिकम ए बिग ओरेटर, देन वॉट यू वॉन्ट, आई ओनली वॉन्ट योर कास्टलेस डिवोशनल सर्विस, नो कास्ट बट आई शुड कीप ऑन सर्विंग यू, कास्टलेस डिवोशनल सर्विस। ये निष्काम भक्ति याद रखो, जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है, करना नहीं करना है, जिसने नहीं करना हाथ खड़ा करो, सभी को करना है, बोलना करना हम नहीं बोल रहे, नहीं करना हम नहीं बोल रहे, तो बोलते क्यों नहीं है फिर, शर्म आती है बोलने में, यू आर फीलिंग शाई, क्या शर्म की बात है, बोलो करनी है भक्ति करनी है, भगवान को पाना है, पाना है, अरे बोलो तो सही, पाना तो दूर की बात है, बोलने में भी हम ऐसा कर रहे हैं। भगवान को पाने के लिए ये शरीर मिला है। भगवान कैसे मिलेंगे, प्रहलाद महाराज की शिक्षा निष्काम सेवा से, कोई कामना नहीं।
एक शब्द हम कहते हैं, मेरे पीछे बोलो, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए। क्या नहीं चाहिए? रुपया नहीं चाहिए। सब लोग रुपया ढूंढते हैं, पैसे ढूंढते हैं। हमें श्याम जी, श्याम किसका नाम है? कृष्ण का। हमें कृष्ण जी, तुम्हारा बस प्यार चाहिए। हमें कृष्ण प्रेम चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग लालची बन जाते हैं, हमारा मन मलिन है, पैसे के पीछे पड़ जाएंगे। अब देखो, प्रभुपाद ने एक जगह लिखा है, बहुत से लोग इस्कॉन ज्वाइन इसलिए करते हैं विदेशों में जाने के लिए और गोरी लड़की से शादी करने के लिए। एक गोरी लड़की इतनी बेकार है, हे भगवान। एक मैंने अपने सामने देखा, एक हमारा गुरु भाई था बंगाल में, कलकत्ता में, हम कब मिलते थे उसको, जब जाते थे मायापुर फेस्टिवल में, कहते महाराज मैंने विदेश जाना है। मैं क्या रखा है, मैं जाता हूँ, कुछ नहीं होता। नहीं नहीं, मेरी मर्जी है, जाना जाना है। चला गया। मुझे फिर डेट्रॉइट में मिला वो, उसने गोरी लड़की से शादी भी कर ली वहाँ रहने के लिए। गया तो कहते महाराज मैं टेंशन में हूँ। मैं क्या हुआ तेरे को? कहते बड़ा परेशान हूँ यहाँ। मैंने तेरे को मना किया था, मैंने कुछ नहीं रखा यहाँ पर। लड़की ने भी लात मारी, उसको छोड़ दी। एक गोरी लड़की आज एक के साथ, कल दूसरे के साथ, परसों तीसरे के साथ, कोई इनका शर्म धर्म है ही नहीं। तो चमड़ी गोरियों से क्या होता है? आदमी का मन शुद्ध होना चाहिए। इन विदेशियों का मन इतना वहाँ, मैं आपको बताऊँ, एक और सियाटल वाशिंगटन में एक माता मिली मेरे को, गोरी माता। वो कहती है माई मदर वाज मैरिड 17 टाइम। मेरी माँ ने 17 शादियाँ की हैं। क्या सा कहते, बट नो शी इज लुकिंग फॉर 18th हस्बैंड। बेटी माँ के लिए सुना रही है। मैं एक बार शिकागो में लेक्चर कर रहा था एक व्यक्ति के घर में, मेहता के घर में। मैंने कहा कैसे देश में तुम रहते हो, यहाँ औरतें 17 बार 17 टाइम शादियाँ करती हैं, कसम बदलते हैं। ये तो जानवर ऐसा करते हैं, मनुष्य नहीं। मनुष्य स्त्री एक पति और पति के लिए एक स्त्री बस। तो मेहता कहते हैं स्वामी जी योर दिस इन्फॉर्मेशन इज ओल्ड, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इज एलिजबेथ टेलर वॉज मैरिड 27 टाइम एंड शी इज लुकिंग फॉर ए 28th हस्बैंड। ये हाल है वहां का। तो देखो प्रभुपाद जी ने कितने महान है हमारे प्रभुपाद, बोलो अति महान प्रभुपाद जी महाराज की। वो जो लोग बुरे कर्मों में पड़े थे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बुरी हालत, सब चार नियमों का उल्लंघन करते थे, उनको प्रभुपाद जी ने भक्त बना दिया, वैष्णव बना दिया। अभी भक्ति में बड़े विघ्न आ रहे हैं। नृसिंह भगवान से यही प्रार्थना करो, ये नृसिंह भगवान अपने प्रहलाद महाराज की भक्ति से सब विघ्नों का विनाश किया, मेरी भक्ति में भी बहुत विघ्न आ रहे हैं, कृपा करके सबका विनाश करो। पर ये नहीं है, भक्ति निष्काम होनी चाहिए। जैसे प्रहलाद जी ने कहा बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, उन्हें कुछ मांगा ही नहीं, और मांगा भी तो अपने पिता को क्षमा, जो इतना पापी राक्षस जो उनको कष्ट दे रहा था। निष्काम भक्ति करनी, हमने सबका भला सोचना है। मेरे पीछे बोलो कर भला हो भला, अंत भले का भला, कर बुरा हो बुरा, अंत बुरे का बुरा। भला करने से भला होगा, बुरा करने से भला नहीं होगा। इसलिए हमने सबसे भलाई का काम यह भक्ति करनी है भगवान की, और भक्ति का प्रचार करना है। और ये जो मॉरिशस है इसको कृष्णा कॉन्शियस कंट्री बनाना है। बनाओगे नहीं बनाओगे? नहीं बनाओगे? डंडा लाए हूं मैं साथ में, ये देखो आज मैं डंडे से काम लेता हूं। बनाना पड़ेगा सबको। प्रभुपाद जी ने ये प्रेडिक्शन किया है कि मॉरिशस कैन बी द फर्स्ट कृष्णा कॉन्शियस कंट्री इन द वर्ल्ड। हम सब ने मिलजुल के प्रयास करना है। करेगा नहीं तुम भी? ये भी करेगा।
तो प्रयास करके भक्ति का प्रचार करना है। देखो आप लोग सीधे साधे हो, लेकिन आप जो यहाँ पर अपनी भाषा में पला 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 करते हो, सलिकला अला वला अला वला अला अले अले वही 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 वही, क्या क्या भाषा बोलते हो तुम? अपनी भाषा हिंदी भाषा बोलो, हिंदी बोलो अच्छी तरह से। ये क्या तुमको फ्रेंच लोग क्या जादू कर गए हैं? फ्रेंच लोगों का जादू चल गया आप लोगों पर। थोड़ी देर हिंदी बोलेंगे फिर बला 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 करेंगे, सल निकला बला बला। देखो हिंदी भाषा, प्रभुपाद जी से एक बात सीखो। प्रभुपाद जी जब अमेरिका में थे तो एक व्यक्ति योगी भारत से अमेरिका गया होगा, प्रभुपाद जी के पास आया और कहता है, स्वामी जी व्हाट फॉर यू हैव कम हियर? प्रभुपाद कहते हैं, आई हैव कम हियर टू प्रीच कृष्णा कॉन्शियसनेस। व्हाट यू मीन बाय कृष्णा कॉन्शियसनेस? प्रभुपाद ने बोला कि नो मीट फिश एग, सेकंड प्रिंसिपल नो इंटॉक्सिकेशन इंक्लूडिंग टी एंड कॉफी, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, गेट अप बिफोर 4 इन द मॉर्निंग, चांट हरे कृष्णा। वो योगी कहता है, स्वामी जी योर रूल्स एंड रेगुलेशंस आर वेरी डिफिकल्ट, आई डोंट थिंक दिस अमेरिकन्स आर गोइंग टू फॉलो यू। इफ यू वांट टू प्रीच अमंग अमेरिकन्स दो यू शुड पुट एन ट्राउजर एंड शर्ट एंड नेक टाई, लर्न टू ईट विद अ नाइफ एंड फोक। प्रभुपाद ने क्या कहा, आई डिडंट कम हियर टू फॉलो देम, I came here to make them follow me. प्रभुपाद ने सारी दुनिया को अपना फॉलो बना दिया। प्रभुपाद एक अवतार हैं भगवान के भेजे हुए, हम लोगों को नरक में जाने से बचाने के लिए। आप सभी भारतवासी, अब सब भारतवासी हो, आप सलिकला नहीं हो, नहीं हो ना? अभी तो करियोली बोलते हो आप या अंग्रेजी मारते हो, आप अपनी भाषा को बोला करो। भारत की भाषा हिंदी, कितने अरबों करोड़ों लोग हिंदी बोलते हैं भारत में, और अपनी संस्कृति को बना के रखो। प्रभुपाद जी के सीरियसली फॉलोवर बनो। भक्ति में कोई विघ्न आता है, प्रहलाद महाराज के चरणों में प्रार्थना करो, पहले प्रभुपाद के चरणों में, फिर प्रहलाद महाराज के चरणों में, फिर प्रहलाद महाराज की कृपा से नृसिंह भगवान के चरणों में। बोलो नृसिंहदेव भगवान की, बस उनकी यही प्रार्थना करो, मेरी भक्ति में जो विघ्न आ रहे हैं उनको विनाश करो और मुझे प्रेमा भक्ति का दान दो। प्रेमा भक्ति जहां होते अविद्या विनाश हो जाते, जहां प्रेमा भक्ति भगवान की होगी वहां अज्ञानता अविद्या नहीं आएगी। निष्काम भक्ति से ही प्रेमा भक्ति में हम एंटर कर सकते हैं। तो भक्ति करनी है, अपने जीवन को सफल बनाना है और प्रचार करना है, पूरे मॉरिशस को कृष्णा कॉन्शियस बनाना है। छोटी सी तो कंट्री है आपकी, बड़ी तो है नहीं इतनी, प्रयास करो, घर घर में जाओ, नाम जपो, नाम जपाओ, प्रभुपाद जी से प्रार्थना करो, गौर नेता से प्रार्थना करो, प्रहलाद महाराज से प्रार्थना करो, कोई विघ्न आए। देखो जब खुद भगवान गौर नेता प्रचार कर रहे थे, नित्यानंद भगवान का तो मदाई ने सर फोड़ दिया था, गौर भगवान को भी मारने के लिए लोग आते थे, लेकिन भगवान सब सहन करते थे और भगवान ने सबको नाम दान दिया, हरे कृष्ण कृष्ण हे राम हरे। तो नृसिंह भगवान सबके ऊपर कृपा करें, अपनी भक्ति का दान दें और भक्ति में समस्त विघ्नों का विनाश करें। याद रखो सबसे बड़ा हमारा शत्रु कौन है आप जानते हो? हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? हाँ, मन। तो नृसिंह भगवान से कहो, प्रहलाद महाराज और प्रभुपाद की कृपा से ये जो हमारा शत्रु मन है, ये नृसिंह भगवान आप मेरे हृदय में बैठे हो, बाहर नृसिंहा हृदय नृसिंहा, बाहर भी हैं नृसिंहदेव हृदय में भी हैं, मेरे मन को आप शुद्ध कर दो, इसको हर ओर से हटाकर अपने चरणों में लगा दो, और कुछ भी नृसिंहदेव से आपने नहीं मांगना है। मांगोगे?
बस भक्ति। बोलो नृसिंहदेव भगवान की, बोलो प्रहलाद महाराज की। ये कौन सी जगह है ये? दोतनाक HOD सोधनेक वालों का कल्याण हो। नरसिंह भगवान से पर कृपा करें। हरे कृष्ण। एक छोटी रिक्वेस्ट है, अगर आप ड्रामा भी देख लें। शुरू कर दो ड्रामा। यहीं से चलेगा जैसे तुम्हारी इच्छा। हरे कृष्ण। नरसिंहदेव भगवान की, श्रील प्रभुपाद की। तो अभी नरसिंहदेव